नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पीसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में बताऊंगा। तो इस बारे में मैं जो सॉफ्टवेयर बताने जा रहा हूं उसका नाम है, सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर विदाउट वाटरमार्क। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे डाउनलोड पे है, ठीक है, ये वाला लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो इसके ऊपर क्लिक करना है हमें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से हमारे पास कुछ पेज आ जाएगा और यहाँ पे देखिए अपने आप डाउनलोड, जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होम के सामने विंडोज मल्टीमीडिया और स्क्रीन रिकॉर्डर है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, यहाँ से ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट आप जाके उस पर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसको अपलोड कैसे करना है इस बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। वहां से डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद इस तरह का आइकन है जो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, आइकन पे आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद इस तरह का आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। ये देखिए कुछ वीडियो इससे रिकॉर्ड की गई हैं जो यहाँ पे हैं। उसके बाद आप देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके स्क्रीन रिकॉर्ड आ सकता है। उसके बाद आपके लिए मेन ऑप्शन ये है, ठीक है, इस पे हम इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। तो फिलहाल मैं ये वीडियो डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। डिलीट करने के बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे क्लिक करने के ये सेटिंग है, ये सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले ये बाय डिफॉल्ट जो सेट है वो बिल्कुल फ्री वर्जन की सेटिंग है, ठीक है। डेस्कटॉप पे सेविंग का लगाया हुआ मैक्सिमम फाइल ये है, इसमें आप 5 मिनट तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि ये फ्री वर्जन है। अगर आप उससे ज्यादा लंबी वीडियो को जो रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक्टिवेट प्रो वर्जन पे क्लिक करना होगा, यहाँ से इसको परचेज करना होगा, ठीक है। परचेज करने के बाद आप 5 मिनट से ज्यादा की वीडियोस बना सकते हैं और फिलहाल मैं 5 मिनट की वीडियो के लिए बता रहा हूँ, तो ये सबसे बेस्ट है। बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग जो की हुई है ये आपको फ्री वर्जन की है और इसमें बहुत सारे और भी ऑप्शन है लेकिन वो सारे पेड हैं, ठीक है। जब आप इसको परचेज कर लेंगे उसके बाद बेस्ट क्वालिटी ये वाली चूज कर सकते हैं, ये भी बहुत बेस्ट क्वालिटी है, सुपर प्रीमियम क्वालिटी है। लेकिन जैसे इस पे क्लिक करता हूँ अपग्रेड टू प्रो आएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ तो इसलिए इस पे क्लिक कर दिया। ऑडियो में देखिए, ऑडियो में ये आपके पास 100% पे कर रखे हैं, आप अपने सेटिंग के हिसाब से कम ज्यादा इसको कर सकते हैं, ठीक है। सभी तरह के ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेव टू, यहाँ से आप लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, आपको अपनी वीडियो कहाँ पे सेव करनी है, पिक्चर्स में करनी है, डेस्कटॉप पे करनी है, तो उसको सिलेक्ट फोल्डर कर दीजिए, आपकी वीडियो वहीं सेव होगी जहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट फॉर्मेट आप जेपीजी और पीएनजी दोनों में कर सकते हैं, जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें। उसके बाद स्टार्ट विद विंडो, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगते हैं यहाँ से एक्टिवेट कर लीजिए। करने के बाद आप इसको सेव सेटिंग पे क्लिक कर दीजिए, उस तरह की सेटिंग जो आपने मॉडिफाई किया सेव हो जाएगी, ठीक है। कैप्चर ऑडियो में आप हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, लो क्वालिटी तीनों का यूज कर सकते हैं। उसके बाद गेम कैप्चर, अगर आप गेम खेलते हैं या लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं गेम की, तो आप गेम वाले ऑप्शन पे जा करके यहाँ से आप इसको देखिए 60 FPS पे ही रखें इसको, 30 FPS भी हो सकता है, और ये दोनों अच्छी क्वालिटी की वीडियो आपकी रिकॉर्ड होगी। क्वालिटी यहाँ से आप लो, मीडियम, हाई तीनों कर सकते हैं, मैं हाई क्वालिटी पे कर देता हूँ। उसके बाद एनकोडिंग आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से, जो अगर आपने परचेज कर लिया तो ये वाली कर सकते हैं, नहीं तो फ्री वर्जन पे ये वाली आप कर सकते हैं, ठीक है। करने के बाद आप इसको सेव कर दीजिए, उसके बाद आप बैठ जाएंगे। अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ कि किस तरह की क्वालिटी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फुल स्क्रीन आपके पास आ रहा है, फुल स्क्रीन पे पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड है। कस्टमाइज एरिया में क्या होता है मैं दिखा देता हूँ। कस्टम एरिया में आप एरिया सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको इतना स्क्रीन का एरिया है जो रिकॉर्ड करना है, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जितना आप रिकॉर्ड करना चाहें, ठीक है। ये था, और यहाँ पे हम ड्रॉ भी कर सकते हैं, इसमें यहाँ जाके आप कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हैं आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग शेप आपको यहाँ से मिल जाएंगी, जो भी शेप आप देना चाहते हैं, जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया है उस पर आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये टीचिंग के लिए बेसिकली यूज होता है, तो फिलहाल मैं इसको बंद कर रहा हूँ।
उसके बाद कस्टम एरिया मैंने बता दिया, उसके बाद लास्ट एरिया जो आपकी स्क्रीन का लास्ट एरिया होगा वो ही रिकॉर्ड होगा। ऑटो एरिया ऑटो डिटेक्शन में क्या होगा, डिटेक्शन में ये है कि आपका माउस जहां जा जाएगा F1 प्रेस कर दीजिए, वो एरिया आपका रिकॉर्ड होगा। ठीक है, जिस एरिया पे आप क्लिक करेंगे वो एरिया ज्यादा रिकॉर्ड होगा, हाईलाइट होके आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड होगी। कई तो वीडियो में आपने इसको देखा भी होगा। ठीक है, उसके बाद दिखाता हूं मैं आपको टास्क, और ये है लास्ट वाला है अराउंड माउस। माउस के आसपास का जितना भी एरिया आप ये रेशियो दिया हुआ है उस वो रेशियो सिलेक्ट कर लीजिए, उतना ही माउस के आसपास का एरिया जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होके रिकॉर्ड होता रहेगा। तो इस तरह से आप बेसिकली फुल स्क्रीन में बनाए, उससे बढ़िया है टास्क में जाएं। टास्क में जाने के बाद यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं इसको। ठीक है, आपका जहां पे रहता है भी मेरा इतना एरिया रिकॉर्ड होना चाहिए, मेरे को मोस्टली ये एरिया रिकॉर्ड करना होता है, तो इसका नाम मैंने SS कुछ भी आप दे सकते हैं, उसको सेव कर दीजिए। तो जब आप प्रो वर्जन ले लेंगे तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसको मॉडिफाई करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फुल स्क्रीन में एक रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। फुल स्क्रीन पे मैंने जैसे क्लिक किया, अब यहाँ आपको रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखिए, 3 द काउंटडाउन होने के बाद हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। शुरू होने के बाद ये देखिए, मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया था सेविंग के लिए, तो डेस्कटॉप के ऊपर ये आइकन आ गया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और देखिए मैंने यहाँ डेस्कटॉप किया, तो जो जो मैं कर रहा हूँ ये स्क्रीन पे जो भी वर्क हो रहा है तो वो क्या है, सारा रिकॉर्ड हो रहा है। तो फिलहाल मैं इसको रोक देता हूँ। अभी आप यहाँ से स्टॉप पे जाके रोक सकते हैं, या F8 को डायरेक्ट प्रेस करके भी रिकॉर्डिंग रोक सकते हैं। तो यहाँ पे इसको फाइल नेम दे देंगे कुछ भी, उसको सेव किया, और ये हमारी फाइल डेस्कटॉप पे सेव होगी जो हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये AS के नाम से मैंने की थी, तो इसको ओपन करके दिखाता हूं मैं। शुरू होने के बाद ये देखिए, मैंने ये प्ले होगी, जो जो एक्टिविटीज मैंने स्क्रीन के ऊपर की थी वो सारी यहाँ पे शो हो रही हैं, वो चलती जाएंगी प्रोसेस से। ठीक है, उसके बाद मैंने डेस्कटॉप ओपन किया था, फिर मैंने डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया, फिर थंबनेल के नीचे जाकर डेस्कटॉप पे जो जो एक्टिविटीज की, देखिए आप अच्छी क्वालिटी में ये सारा रिकॉर्ड हो चुका। अब मैंने स्टॉप किया था यहाँ से, क्लिक हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। साइज भी वीडियोस का काफी छोटा रहेगा। देखिए ये यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि ये 2 MB की फाइल रिकॉर्ड हुई है, तो 23 सेकंड लेंथ है इसकी, तो 2 MB इसमें काफी कम साइज रहेगा आपका, आपको एडिट करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप इस फ्री सॉफ्टवेयर को यूज करके अपनी PC लैपटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।